প্রথমে ফেসবুক মেসেঞ্জারত মেসেজ, ফেসবুক একাউন্টত নাম রাহুল মালহোত্রা। নমস্তে ভাই, কাহা সে হো? ঠিক হে, হালচাল বাতাও। তারপাছত আপোনালৈ প্রবঞ্চনার জাল। প্রবঞ্চনার জালত যদি আপুনি পৰিছে তেন্তে আপুনি ধ্বংস। এতিয়া আহো মূল কথালৈ। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সক্ৰিয় হৈ উঠিছে জালনোট ব্যৱসায়ী চক্ৰ। ৰং নাম্বাৰ আৰু ফেচবুক মেছেঞ্জাৰৰ জৰিয়তে আপোনাকো তেওঁলোকে পেলাব পাৰে প্ৰবঞ্চনাৰ জালত। 1,00,000 টকা দিলে 3,00,000 টকা আপোনাক দিয়াৰ কথা ক'ব জালনোট চক্ৰটোৱে। তেওঁলোকে কেনেকৈ ফোনত কথা পাতে সেয়া আপোনালোকক জনাম। তাৰ আগতে জনাব বিচাৰিছোঁ যে অসমৰ কোন কোন জিলাত সক্ৰিয় এই চক্ৰ। আমি লাভ কৰা তথ্য অনুযায়ী লখিমপুৰ জিলাৰ ফতেপুৰৰ এজন ঠগ প্ৰবঞ্চকে এনেদৰেই কথা পাতিছিল এজন লোকৰ সৈতে। লোকজনৰ সবিশেষ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত নাই যদিও অতি কম সময়ৰ ভিতৰত সেয়া জনাবলৈ সক্ষম হ'ম জনতা কণ্ঠ অসমৰ জৰিয়তে। এই মুহূৰ্তত শুনাব বিচাৰিছোঁ কল ৰেকৰ্ডিং। ऐसा है कि हम लोग मनी का बिजनेस करता है, तो उसमें आप अगर करना चाहते हो तो आप एक बार फर्स्ट में आएंगे ना, तो आपको फ्री में पैसा दिया जाएगा। ठीक है, आपको फर्स्ट में पैसा नहीं लाना है, फ्री में आपको पैसा देंगे हम लोग। 10,000 या 20,000 पैसे बना के देंगे हम लोग। हम लोग पैसा बनाता है तो फ्री में आपको 10-20,000 रुपये बना के देंगे। ठीक है, आप उसको घर ले जाइए, ले जाके आप शॉपिंग कुछ भी करो, यूज करो। ठीक है, उसको यूज करने के बाद अगर आप पैसा अच्छा चलता है, पैसा अच्छा हो तो आप नेक्स्ट में हम लोग के साथ बिजनेस कर सकता है। उसमें आपका भाई बिजनेस जो होगा 1/3 का बिजनेस होगा। जैसे कि आप 1,00,000 रुपया हम लोग को देंगे ना, तो उसमें आपको 3,00,000 रुपया दिया जाएगा। ठीक है, ओके सर देता है जी। वो कैसा देता है, वो कैसा होता है? पैसा होगा नहीं, मतलब वो जो क्या बोला, 1/2 बोला है ना, 1/3 होगा, 1/3 बोला है ना, तो इसे मतलब हम खुद हाथों से क्या सप्लाई करेगा बोला है जी? समझा नहीं, फिर एक बार बोलिए। वो क्या सप्लाई करेगा क्या? नहीं नहीं, आप या आएंगे ना। हाँ, आप अगर 10,00,000 रुपये लेके आए ना, हाँ, तो उसमें आपको 30,00,000 बना के हम लोग देंगे। आप आके अपने हाथों से ले जाइए। मतलब ज्यादा होता है ना? ज्यादा। आप अगर हम लोग को 1,00,000 रुपये देगा, हम लोग आपको 3,00,000 रुपये देगा। ठीक है, कैसा होता है? असली होता है, पैसा होता है। वो वाला तो पहले वाला जो सर ने हमको दिया था ना, इसे हमको 500 का नोट दिया था ना, इधर में तो 500 का नोट देता हूँ, तो उसका भी नोट दिया है जी। तो उसके बाद तो हम वो चला था, देखा है अच्छा है, हम खुद हाथों से पेपर डाला था ना। उसके बाद तो पेपर डाल के भी हम तो एक्सचेंज में एक्सचेंज किया था जी। तो उसके बाद तो हम तो चलाया, तो इसमें बोला है हमको फ्लैट क्या डेसिन देने के लिए बोला था हमको, तो बोला हम अभी सर को फोन करेगा, हम बोला सोच रहा था ना समय अभी वो सर को छोड़िए, आप आना चाहते हो तो हमको बोलिए, हम एक सर से बात करा देंगे। ठीक है, क्योंकि आप मेरा बड़ा भाई बन गया तो अभी वो तो हम इसी में तो जो क्या बोला है आपने गुवाहाटी ना जी, गुवाहाटी तो बहुत सारा आदमी तो इसे फोन करते हैं, बोला है ना, फोन करके तो क्या बोलते हैं वो एक हमको क्या बोला है, तो इसका क्या नाम बोला है, तो नगाव, वो कहाँ पे? आसाम में है भाई। इधर से एक तो आदमी हमको फोन किया, बोला है उधर इसके में तो जिस भी क्या काम करते हैं उसका भैया बोला है, तो सोने का एक मूर्ति मिला है बोला था हमको, बोला खरीदने के लिए बोला था हमको, फोटो भी भेजा था ना उस आदमी ने। नहीं नहीं भाई, वो झूठ है, तो हम तो रद्दी भी हो गया था ना वो सामान खरीदने के लिए ना। एक बार ऐसे तो नहीं करना है।
एक बार जी ना हमको वो तो छोटा वाला सीन में एकदम छोटा सा दिया था ना, और एक तो उसका एक गुंगा भाई भी मिला था उसमें, तुम्हें इतना सिगरी जैसा पीस खाते है ना साला। ऐसे और भाई सोचते देखो, फिर भी ना हम तो जितना तक तो जानता है वो तो धोखा भी हो सकता है ना, हाँ क्योंकि आपको एक बार असली दिखाएगा नकली भी डाल सकता है, आप अंदर से आओगे।